दिस ईयर इफ यू आर टू इंटरेस्टेड इन लर्निंग इंग्लिश एंड मेक योर सेल्फ बेटर देन वॉट आर यू वेटिंग फॉर लेट्स जस्ट फ्लाई विद मी। हेलो गाइस, क्वारंटाइन कोर्स बाय स्पार्क में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है नाउन एंड इट्स काइंड्स। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे उसके मॉडर्न क्लासिफिकेशन के बारे में, देन ओल्ड क्लासिफिकेशन के बारे में, देन कॉन्क्रीट नाउन्स के बारे में, वाओ, देन जेनिटिव्स के बारे में जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, एंड देन लास्ट बट नॉट द लिस्ट कंपाउंड नाउन्स। एंड आफ्टर दैट यू विल बी गेटिंग अ बोनस स्लाइड, आह माय फेवरेट। सो जस्ट पुल द फर्स्ट स्लाइड। हे, देखते हैं कौन कितना पानी में। इन सारे सेंटेंसेस में नाउन को आइडेंटिफाई कीजिए, वो किस काइंड के हैं ये बताइए, और ये भी देखिए कहीं कोई गलती तो नहीं। क्या आप जानते हैं यहाँ इंफॉर्मेशन में एस क्यों है, कोविड पूरी तरीके से कैपिटल क्यों है, प्रेसिडेंट का पी स्मॉल है लेकिन यहाँ प्रेसिडेंट का पी कैपिटल क्यों है, आखिर ये लव्स ऑफ ब्रेड क्या है। मैथमेटिक्स तो छोटा है लेकिन स्नो वाइट एंड सेवन ड्राफ्ट्स के सारे लेटर इतने कैपिटल कैपिटल क्यों है भाई। क्या कोविड-19 बाकी बिगेस्ट कंसर्न है, आखिर हमारी आर्मी तो हेल्प कर रही है पर ये इंडिया में हैव क्यों लगा है, और एक प्राइड ऑफ लायंस जंगल में क्या गॉसिप कर रहे हैं। अगर आप ये जानते हैं देन इट्स फाइन, बट अगर नहीं तो आइए ना पता करते हैं। हे, हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, व्हाट इज नाउन? वेल, ए नाउन इज द नेमिंग वर्ड। इट इज द नेम गिवन टू एनीथिंग और एनीवन दैट एग्जिस्ट नो मैटर हाउ। अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, आइडिया, टाइटल, इतना जरूरी नहीं है। दैट सिंपल, कीप इट सिंपल। ए नाउन इज द नेमिंग वर्ड। किसी भी चीज का जब आप नाम देते हैं तो वो नाम नाउन हो जाता है। नेक्स्ट, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ नाउन? अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ग्रामर, नाउन इज क्लासिफाइड इनटू थ्री पार्ट्स। फर्स्ट, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन नाउन की तरह ही है, पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग। लोगों को लगता है कि दोनों का डिफिनेशन सेम है, बट नो, देयर इज अ डिफरेंस। होल्ड ऑन, प्रॉपर नाउन बिल्कुल प्रॉपर है, आइडेंटिफाइबल है, एकदम एग्जैक्ट एंड टू द पॉइंट। हम इसके बारे में आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन प्रॉपर नाउन के साथ कोई भी ए एंड जैसा आर्टिकल नहीं लगता, लाइक द तो लगता है व्हेनेवर मेकिंग इट मोर पार्टिकुलर, बट ए एंड नहीं लगता। लो बताओ, मैं खुद कह रहा हूँ कि ए एंड नहीं लगता और मैंने ही यहाँ प्रॉपर नाउन के पहले ए लगाया है। तो गाइस, जब प्रॉपर नाउन के पहले ए लगता है तो ये कोई नाम नहीं बन जाता। देन जेम्स बॉन्ड का मेजर पर्सनालिटी, आई एम नॉट जेम्स बॉन्ड, इसका मतलब है कि मैं जेम्स बॉन्ड की तरह बिल्कुल नहीं हूँ। यहाँ पर जेम्स बॉन्ड कोई पर्सन नहीं है बल्कि वो पर्सनालिटी है जो जेम्स बॉन्ड में थी। तो इन केस जब प्रॉपर नाउन के नेम को हम पर्सनालिटी की तरह यूज करते हैं, ट्रेट की तरह यूज करते हैं, देन हम उसके पहले ए लगाते हैं, वरना प्रॉपर नाउन में कभी भी ए या एन नहीं लगता। नेक्स्ट, काउंट और काउंटेबल नाउन। काउंट और काउंटेबल नाउन वैसे नाउन हैं जिन्हें आप गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। एक्चुअली ये सिंगुलर बनते हैं, प्लूरल बनते हैं, लाइक ए क्लास एंड इट्स प्लूरल क्लासेस। इसके पहले आप आर्टिकल लगाते हैं ए एन, उसके कुछ रूल्स हैं जो हम लोग आर्टिकल में जानेंगे। नेक्स्ट, मास और अनकाउंटेबल नाउन, ऐसी चीजें जो बहुत सारी हैं जिसे आप गिन नहीं सकते, लाइक वाटर, बूंद बूंद भी गिनोगे तो नहीं गिन पाओगे, हेयर, एयर। तो ऐसे अनकाउंटेबल थिंग्स को मास या अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। ये मोस्टली सिंगुलर होते हैं, लाइक गोल्ड, लव। पुल अप द नेक्स्ट स्लाइड। अब मॉडर्न ग्रामर और ओल्ड ग्रामर को कुछ लोगों ने कनेक्ट करने की कोशिश की तो रिजल्ट ऐसा आया कि नाउन मॉडर्न ग्रामर के हिसाब से तीन प्रकार के, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन एंड मास नाउन। मोर फर्दर, काउंटेबल नाउन को लोग कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन का ग्रुप कंसिडर करते हैं, एंड अनकाउंटेबल नाउन को मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का। प्रॉपर नाउन फ्री है भाई, उसे किसी से पंगा नहीं लेना। तो अब हम लोग इसके बारे में एक एक करके जानते हैं। प्रॉपर नाउन, एज इट इज द नेम,
आपको डिफिनेशन याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। प्रॉपर मीन्स एग्जैक्टली प्रॉपर। अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस एनिमल एक्शन और थिंग इन पार्टिकुलर। व्हाट आई मीन बाय सेइंग इन पार्टिकुलर, पर्सन प्लेस एनिमल एक्शन अ थिंग, इनके वैसे नाम जिन्हें लेने के बाद आप तुरंत उसे पिन पॉइंट कर सकें कि वो चीज, वो पर्सन, वो एनिमल कौन है, कहाँ मिलेगा। लाइक गूगल करने पर उसका एड्रेस तक दे दे। इन शॉर्ट, ए स्पेसिफिक नेम गिवन टू एनीथिंग पार्टिकुलर टू सेपरेट इट फ्रॉम रेस्ट। कोई भी ऐसा नाम जब आप किसी ऑब्जेक्ट, पर्सन, प्लेस को देते हैं, उस नाम को लेने के बाद वो दुनिया में बाकी हर एक चीज से बिल्कुल सेपरेट हो जाता है, अलग थलग हो जाता है, तो वैसे नाउन को बोलते हैं प्रॉपर नाउन। एग्जांपल्स देखते हैं, पर्सन मोहन, नरेंद्र मोदी, विराट कोहली। मेरे नाम लेते ही इनमें से दो चेहरे तो आपको वैसे ही याद आ गए होंगे। क्या इस नाम के कोई दो पार्टिकुलर चेहरे और आपको याद है? नहीं। नरेंद्र मोदी कहने पर आप तुरंत जानते हैं कि मैं किसके बारे में कह रहा हूं। हालांकि नरेंद्र मोदी और भी लोगों का नाम हो सकता है, पर लोकेलिटी के हिसाब से तो मैं बिल्कुल पिन पॉइंट कर रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी हमारे पीएम हैं, विराट कोहली हमारे क्रिकेटर हैं, मोहन किसी लड़के का नाम हो सकता है। प्लेस, इंडिया, जापान, बिहार, गया, लंदन। गूगल पर डालेंगे नहीं कि इसका पिन पॉइंट एड्रेस मिल जाएगा कि ये दुनिया में ग्लोब पे कहाँ एग्जिस्ट करते हैं। एनिमल, टॉम किसी बिल्ली का पार्टिकुलर नेम हो सकता है, जेरी किसी चूहे का पार्टिकुलर नेम हो सकता है, नीमो कोई अपने फिश का नाम नीमो रख सकता है। ये सारे पार्टिकुलर नेम है। वो जब टॉम कहकर कॉल करेगा तो उसका अपना पार्टिकुलर बिल्ली, कुत्ता, जिसका भी नाम रखा है यार उसकी मर्जी, वो उसके पास चला आएगा। व्हेन नेम बिकम पार्टिकुलर इट बिकम्स प्रॉपर नाउन। थिंग्स, हिमालय, रामायण, हैरी पॉटर, आयरन पिलर, गंगा, डेमोक्रेटिक पार्टी, ये सारे बिल्कुल पिन पॉइंटेड नेम है। नेम लेते ही आपके दिमाग में एक पार्टिकुलर इमेज बन जाती है, स्पेसिफाइड सिंगल पीस है इस पूरे दुनिया में। स्पेसिफाइड नेम, कुछ नेम है जिन्हें स्कॉलर्स ने या ओल्ड ग्रामेरियंस ने स्पेसिफाइड किया है कि इसे हम प्रॉपर नाउन में ही रखेंगे। लाइक मंडे, दिन के नामों को प्रॉपर नाउन में रखते हैं, होली, फेस्टिवल के नामों को प्रॉपर नाउन में रखते हैं, लेकिन उन्होंने सीजन्स के नेम को प्रॉपर नाउन में नहीं रखा, इसलिए हम उसे कॉमन नाउन में पढ़ते हैं। एडिडास, ये ब्रांड का नेम है, किसी भी कंपनी के ब्रांड को, जिस ब्रांड से वो कंपनी पूरी तरीके से आइडेंटिफाई हो जाए, उसे हम प्रॉपर नाउन में रखते हैं। टाइटल या पोस्ट, प्राइम मिनिस्टर मोदी। प्राइम मिनिस्टर यहाँ टाइटल है जो एक नेम के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसे केस में प्राइम मिनिस्टर एक प्रॉपर पर्सन को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो जब इस तरीके से कोई वर्ड एक प्रॉपर पर्सन, प्लेस या थिंग को आइडेंटिफाई करने के काम आए तो उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं, और इसलिए यहाँ प्रॉपर नाउन में है। तो समरी शॉर्ट में, प्रॉपर नाउन वो नेम है गिवन टू एनी थिंग दैट एग्जिस्ट, उस नेम को लेते ही आप उसे पूरे तरीके से पिन पॉइंट कर सके, एक क्लियर इमेज बने कि ये बात सिर्फ और सिर्फ इसी के बारे में हो रही है। नेक्स्ट, हम लोग जानते हैं कि ये सब किसी न किसी कॉमन क्लास को बिलोंग करते हैं, जैसे मोहन एक बॉय है, नरेंद्र मोदी एक पर्सन है, पीएम है, विराट कोहली एक क्रिकेटर है, इंडिया, जापान देश है, बिहार स्टेट है, गया सिटी है, लंदन भी एक जगह है। इस प्रकार से यहाँ मौजूद हर किसी का एक कॉमन क्लास है। हिमालय माउंटेन है, रामायण एक बुक है, इपिक है, हैरी पॉटर फिल्म है, आयरन पिलर मोनूमेंट्स में आते हैं। इस प्रकार से दोस्तों इन हर पार्टिकुलर नेम्स का एक अपना क्लास है। ये कॉमन क्लासेस जो है, अब अगर मैं बॉय कहूँ तो किस बॉय के बारे में कह रहा हूँ, ये बिल्कुल पिन पॉइंट नहीं होता। हालांकि वो बाकी फीमेल जनरेशन से उसे सेपरेट जरूर कर देता है। मैं प्राइम मिनिस्टर कहूँ तो किस देश का प्राइम मिनिस्टर या कौन वाले प्राइम मिनिस्टर, ये पिन पॉइंट नहीं होता। हालांकि वो सारे चीफ मिनिस्टर एंड से बाकी मिनिस्टर से उसे अलग थलग जरूर कर देता है। तो वैसे कॉमन क्लासेस जो एक ग्रुप को बाकियों से अलग कर दे, लेकिन कोई भी सर्टेनिटी नहीं दे कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, पिन पॉइंट ना करें, तो वैसे कॉमन क्लासेस ही हमारे आगे चलकर कॉमन नाउन बनाते हैं। तो कॉमन नाउन क्या है? ए नाउन दैट गिव्स
नेम टू पर्सन प्लेस और थिंग्स ऑफ सेम काइंड, वो पूरे के पूरे एक काइंड को अपने साथ रखते हैं लेकिन पार्टिकुलर नहीं बनाते। प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में ही डिफरेंस है दोस्तों। कॉमन नाउन एक पूरे क्लास को आइडेंटिफाई करता है। बॉय, पूरे बॉय जाति को आइडेंटिफाई कर लिया। डॉग, पूरे डॉग्स को आइडेंटिफाई कर लिया। अब डॉग्स को कैट से, पैरोट से, रैट से सेपरेट भी कर दिया, लेकिन उन डॉग्स के पूरे काइंड में कौन सा डॉग, ये पिन पॉइंट नहीं कर पाया। तो वैसे नाउन को बोलते हैं कॉमन नाउन। इन शॉर्ट, ए कॉमन नाउन इज ए क्लास गिवन टू प्रॉपर नाउन। जब प्रॉपर नाउन को एक साथ इकट्ठा करके एक काइंड को हमें क्लास दे देते हैं तो वह होता है हमारा कॉमन नाउन। आई लाइक माउंटेन्स एंड रिवर्स। माउंटेन्स पसंद है, रिवर्स पसंद है, लेकिन कौन सा माउंटेन और कौन से रिवर ये नहीं कहा गया। तो पूरी तरीके से आइडेंटिफाई नहीं हुआ, पिन पॉइंट नहीं हुआ, इसलिए क्या ये कॉमन नाउन है। दोज पेन्स बिलोंग टू माई ब्रदर, उसके पास ढेर सारे पेन हैं जो उसके भाई को बिलोंग करते हैं, उसके भाई के हैं, पर उसका कौन सा भाई, छोटा भाई, बड़ा भाई, भाई का नाम राम है, श्याम है, ये पूरी तरीके से क्लियर नहीं है। तो ब्रदर एक पूरा का पूरा क्लास है, उसकी बहनों से, माँ से, पिता से सबसे अलग थलग काइंड है वो, इसलिए कॉमन नाउन। नेक्स्ट, कलेक्टिव नाउन के बारे में जानते हैं। कलेक्टिव नाउन इज ए कलेक्शन ऑफ सेम काइंड ऑफ पर्सन और थिंग्स टेकन ऑल टुगेदर एज एन एंटिटी। अब दिखने में तो लगता है कि कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन सेम सेम है। कॉमन नाउन भी एक क्लास है, कलेक्टिव नाउन भी एक कलेक्शन है, क्लास है। कॉमन नाउन भी सेम काइंड को अपने साथ रखता है, कलेक्टिव नाउन भी सेम काइंड को अपने साथ रखता है। तो इन दोनों में फर्क क्या है? फर्क इतना है कि कॉमन नाउन के अंदर क्लास में जितने भी इंडिविजुअल्स हैं वो सब अपने अपने वर्क, अपने अपने एक्टिविटी में डिफरेंटली अलाइन होते हैं। कोई कुछ कर रहा होगा, एक भाई वीडियो देख सकता है, एक भाई एडिटिंग कर सकता है, एक भाई पढ़ सकता है, पर वो है तो सारे मेरे भाई, दैट्स कॉमन। लेकिन एक कलेक्टिव नॉन में जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं वो सब एक साथ एक काम करते रहते हैं, बिल्कुल एक साथ फ्लो करते हैं, एक साथ चलते हैं, आइडेंटिटी लगता ही नहीं है कि वो सारे इंडिविजुअल्स अलग अलग हैं, वो एक ही रूल को फॉलो कर रहे होते हैं बिल्कुल एक साथ। सो दे आर टेकन एट सिंगुलर, लाइक एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स। सोल्जर्स हालांकि इंडिविजुअली बहुत अलग अलग हैं, कॉमन नॉन, लेकिन उन सारे सोल्जर्स को एक ही रूल बांधती है, और जब वो रूल बांधती है तो वो मार्च करते हैं एज एन आर्मी। जजेज, इंडिविजुअल जजेज के अपने अपने ओपिनियंस होते हैं। जजेज कॉमन है, कौन सा जज नहीं बताया गया, तो कॉमन है। लेकिन वही जजेज जब एक ही पार्टिकुलर चीज के लिए डिसीजन ले रहे होते हैं तो उन जजेज के पैनल को ज्यूरी कहते हैं। सीप, भेड़े, हर भेड़ में अपने अपने क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, लेकिन जब वो सारे भेड़ एक साथ ग्रेजिंग करते हैं तो सांप का एक ही काम होता है, घास खाना। जब एक ही एक्टिविटी में सारे कॉमन नॉन इंडल्ज हो जाए तो उस एक्टिविटी करते हुए कॉमन नाउन के क्लास को बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। ओके, नेक्स्ट, यहां पर देखो कलेक्टिव नाउन की मैंने एक छोटी सी लिस्ट बनाई है। ऑन लुकर्स, जो आप लड़ते रहते हैं और वो आपको आके देखते रहते हैं और उनका कोई काम नहीं होता, दैट वन ऑन लुकर्स। तो एक क्राउड ऑफ ऑन लुकर्स, सब तो देख ही रहे थे, एक ही काम कर रहे थे, तो ये कॉमन नाउन, ये उसका कलेक्शन। हियरर्स, सुनने वालों की असेंबली। हियरर्स कौन सुन रहा है, ये पिन पॉइंट नहीं है, कॉमन नाउन, उनकी एक पूरी की पूरी ग्रुप सब मिलकर सुन रहे हैं, असेंबली। प्लेयर्स, इंडिविजुअल है लेकिन पार्टिकुलर नहीं है, तो कॉमन नाउन, और वो सब मिलकर खेलेंगे इसलिए टीम। लायंस, इंडिविजुअली सब में अलग अलग करेक्टरिस्टिक होती हैं लेकिन जब वो साथ झुंड में होते हैं देन दे आर कॉल्ड प्राइड एंड सो ऑन, आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है, वो मटेरियल नाउन को कॉमन नाउन की तरह लेने लगते हैं, उन्हें लगता है स्टोन्स, ऑयल्स, फ्लावर्स, ये सब भी तो पार्टिकुलर नहीं कर रहे कि किस ब्रांड के हैं। अब स्टोन्स पर थोड़ी लिखा है कि वो प्यूमस पत्थर है कि नहीं, और फिर लिखा है कि वो इमामी का है कि नहीं, प्रॉपर लिखा है कि वो पतंजलि से होकर आया है कि नहीं, तो लोगों को लगता है कि ये मटेरियल नाउन है। बट वेट, ये मटेरियल नाउन तो है पर कॉमन नहीं है, अब ये क्यों? तो हम इंसानों की आदत है दोस्तों कि हर चीज को क्लासिफाई करते करते पार्टिकुलर बनाते जाना। अब मटेरियल नॉन में कुछ ऐसी करेक्टरिस्टिक है जो कॉमन नॉन में नहीं पाई जाती,
इसीलिए मटेरियल नाउन चूंकि पार्टिकुलर नहीं है इसलिए कॉमन होना चाहिए था, बट इसमें कॉमन नाउन के अलावा भी एक पार्टिकुलर प्रॉपर्टी है और इस कारण से इसे अलग रखा गया है। अब वो प्रॉपर्टी क्या है? द मटेरियल नाउन इज अ थिंग और एनीथिंग एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ रॉ, वो रॉ होता है, कच्चा होता है, वो डायरेक्ट ऑब्टेन होता है कहीं से, और इज यूज टू मेक अदर थिंग्स, और उस चीज का इस्तेमाल किसी और चीज को बनाने के लिए किया जाता है। अगर आप समझिए तो इस तरीके से मटेरियल नाउन मेक्स कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन वो रॉ मटेरियल है जिससे कॉमन नाउन बनता है, और कॉमन नाउन के कलेक्शन को जो सिमिलर एंटिटी की तरह काम करते हैं, एक साथ काम करते हैं, उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। एंड जब वो इंडिविजुअली वेरी पार्टिकुलर हो जाते हैं, जब आप पहचान सके कि वो इंडिविजुअली कौन है, तो वही हो जाता है प्रॉपर नाउन। वन मोर टाइम, मटेरियल नाउन वो रॉ मटेरियल है जिससे कॉमन नाउन बनता है। कॉमन नाउन जब एक साथ मिलकर एक ही तरीके का काम कर रहा हो, एक एंटिटी की तरह बिहेव कर रहा हो, तब वो होता है कलेक्टिव नाउन। एंड कलेक्टिव नाउन के हर इंडिविजुअल को जब आप एक कोड देकर पहचान सकें, तो वो कोड हो जाता है प्रॉपर नाउन। जैसे स्टूडेंट्स का रोल नंबर, एग्जाम्पल्स स्टोन्स, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं मूर्ति बनाने में, ब्रिजेज बनाने में, ये बनाने के लिए काम आ रहे हैं इसलिए ये मटेरियल नाउन है। ऑयल खाना बनाने में काम आता है, फ्लावर ब्रेड बनाने में काम आता है, और ब्रेड ब्रेड से भी आप बहुत कुछ आगे बना सकते हैं। गोल्ड ज्वेलरी बनाने में काम आती है, आयरन इसका तो काम ही काम है, सिल्क कपड़े बनाने में काम आते हैं। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बनाने में काम आती है, तो जो चीज़ें किसी दूसरे को बनाने में काम आए वो होती है मटेरियल नाउन। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं एक छोटी सी प्रॉब्लम। सम फिशेस आर स्विमिंग इन द पूल, कुछ मछलियाँ पूल में तैर रही हैं। अब ऐसे में तो मछलियों को आप आराम से गिन लेंगे, सबकी सब तैर रही हैं तो लगेगा कलेक्शन है। तो हाँ, फिशेस के कलेक्शन को एक्चुअली स्कूल कहते हैं, लेकिन क्या यहाँ पे फिशेस जो हैं वो मटेरियल नॉन है? क्योंकि फिशेस तो कॉमन है, कौन सी फिश तैर रही है, नींबू या कोई और, ये तो क्लेरिफाई नहीं हुआ। यहाँ पर फिशेस से कुछ बन भी नहीं रहा, देखो कोई रॉ मटेरियल की तरह काम नहीं आ रहा है। ये फिशेस के तैरने से क्या कुछ बन रहा है सिवाय बुलबुलों के? कुछ नहीं, क्योंकि फिशेस का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेशन नहीं है किसी भी चीज़ को बनाने में, ये हमारा मटेरियल नॉन तो नहीं हो सकता। नाउ आई एम इन लव विद फिश करी, मुझे फिश करी बहुत पसंद है। अब ये प्यार पसंद है, आई लव फिश करी मतलब उसे खाना पसंद है। यहाँ पर जो फिश है इसका इस्तेमाल हुआ है फिश करी को बनाने में एज ए रॉ मटेरियल, तो ये फिश जो है वो मटेरियल नॉन है। सेम वर्ड एक जगह पे फिश क्या है, कॉमन नॉन है, क्योंकि वो उसका इस्तेमाल किसी भी रॉ मटेरियल के रूप में नहीं हुआ। एक फिश मटेरियल नॉन है क्योंकि उसका इस्तेमाल हुआ कड़ी बनाने में, डेट लाइक गोल्ड चेन, गोल्ड का इस्तेमाल हो रहा है चेन बनाने के लिए, इसलिए गोल्ड क्या है, मटेरियल नॉन। होप कि आप सब कुछ क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट कॉन्क्रीट नॉन, कॉन्क्रीट नॉन उस सारे नॉन्स होते हैं जिन्हें हम अपने सेंस ऑर्गन्स से सेंस कर सके, डेट मीन्स जिसे देख सके या छू सके या जिसको सुन सके। अपने सेंस ऑर्गन्स का इस्तेमाल करते हुए हम जिन जिन नॉन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिन जिन नॉन को परसीव कर सकते हैं, वो सारे नॉन्स क्या हैं, कॉन्क्रीट नॉन है। अब इसके एग्जाम्पल्स इससे पहले जितने भी नॉन्स के एग्जाम्पल्स मैंने दिए वो सब के सब इसमें आ जाएंगे। पर्सन को भी आप देख सकते हैं, माउंटेन देख सकते हैं, रिवर भी देख सकते हैं, बुक देख सकते हैं, फ्लावर देख सकते हैं, ब्रेड देख सकते हैं, गोल्ड भी देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। ये सारे क्या है, कॉन्क्रीट नॉन्स हैं। आप खुद से भी एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, और अब तक में अगर कोई डाउट हो तो कमेंट भी लो। और ये सारे के सारे फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं रियल वर्ल्ड में, ये वर्चुअल नहीं है, रियल वर्ल्ड में है। आप उन्हें के पास पहुंच सकते हैं, उन्हें टच कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, अब आती है बारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज नेम गिवन टू कंडीशन, क्वालिटी, फीलिंग और थॉट। अब देखो गौर से दोस्तों, इनमें से कुछ भी फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता, यानी ये कॉन्क्रीट नाउन तो नहीं है। तो एनीथिंग जो कॉन्क्रीट नाउन में एडजस्ट नहीं हो पाता वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाता है। तो आप कह सकते हैं कि एक छोटा सा ट्रैश बिन है जिसमें स्कॉलर्स ने वो सब डाल दिया जिन्हें वो पूरी तरीके से समझ नहीं पाए। एब्स्ट्रैक्ट नॉन के कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो इसे हम केवल सोच सकते हैं या फील कर सकते हैं,
लेकिन किसी भी तरीके से सेंस या टच फिजिकली नहीं कर सकते। और तो और आप इसे फील कर सकते हैं लेकिन इसे दूसरों को पूरे तरीके से समझा नहीं सकते। अब एब्स्ट्रैक्ट नॉन के कुछ कैटेगरीज वाइज मैंने टेबल बनाई है। जैसे क्वालिटी, कोई सॉफ्ट है तो सॉफ्टनेस उसकी क्वालिटी है, गुडनेस उसकी क्वालिटी है, ट्रू सच्चाई उसकी क्वालिटी हो सकती है, ब्रेवरी बहादुरी उसकी क्वालिटी हो सकती है, ऑनेस्टी उसकी क्वालिटी हो सकती है। अब मैं किसी और को कैसे समझा पाऊंगा कि वो कितना ऑनेस्ट है, उसकी ऑनेस्टी कैसी है। मैं जानता हूं कि सर वो ऑनेस्ट है लेकिन मैं यही बात सामने वाले को कैसे समझाऊं। मैं कितना भी कहूंगा लेकिन मैं उसे पूरे तरीके से एज ए फैक्टर रिटेन में समझा तो नहीं सकता कि हाँ भाई वो ऐसे ऑनेस्ट है, इतना परसेंट ऑनेस्ट है। जिस चीज को आप पूरी तरीके से एक्सप्लेन ना कर सके वो सब क्या है, अबस्ट्रैक्ट नॉन है। मोर एग्जाम्पल से लेते हैं एक्शन, थेफ्ट चोरी करना, हेट्रेट नफरत, बिहेवियर बर्ताव, मूवमेंट चलन ढलन, केयर रखवाली, चैरिटी दान पुण्य, ये सब क्या है, नॉन के फॉर्म में जब भी आते हैं तो अबस्ट्रैक्ट नॉन के फॉर्म में आते हैं। अ स्टेट ऑफ कंडीशन, चाइल्डहुड बचपन, स्लीप डेथ, ब्यूटी हीट साउंडनेस, इनमें से किसी भी चीज को आप टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, फील कर सकते हैं, बस फील ही कर सकते हैं। तो दे आर ऑल अबस्ट्रैक्ट नॉन। सब्जेक्ट्स के नेम, इकोनॉमी ग्रामर हिस्ट्री ज्योग्राफी, हम पढ़ते जरूर हैं। आप कहोगे यार ये सब तो कॉमन नॉन में होने चाहिए थे, या फिर चलो हटाओ प्रॉपर नॉन में डाल दो, इन सबके पास तो नेम है पार्टिकुलर, हम पता है इकोनॉमी की है। बट दोस्त वो इकोनॉमी की बुक है, लेकिन वैसी वैसी इकोनॉमी की कितनी टाइटल्स वाली बुक है, कौन सी इकोनॉमी की बुक कर रहे हो, पार्टिकुलर तो नहीं है, तो ये प्रॉपर नॉन नहीं हो सका। कॉमन नॉन में रखते हैं इसको, इकोनॉमी पढ़ते हैं, इसे गिन नहीं सकते, इकोनॉमी को छू सकते हैं नहीं, कहाँ जाकर छूओगे, कहाँ मिलेगा तुम्हें इकोनॉमी। ग्रामर कहीं छू सकते हो, कहीं देख सकते हो नहीं, ये सब बस हम लोग थिंक करते हैं कि इकोनॉमी के ये प्रिंसिपल्स है, ग्रामर के ये प्रिंसिपल्स है, हिस्ट्री में ये हुआ था, ये थिंक करते हैं, फील करते हैं, वापस जाके छू नहीं सकते। ज्योग्राफी में जो थ्योरीज हैं उन्हें आप टच नहीं कर सकते, सेंस नहीं कर सकते, बस फील ही कर सकते हो, मान सकते हो कि हाँ चलो ठीक है होता है। तो इसी कारण से सब्जेक्ट्स, बुक के टाइटल नहीं कर रहा हूँ मैं, सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट्स होते हैं अब्स्ट्रैक्ट नॉन। आर्ट्स म्यूजिक डांस ये भी अब्स्ट्रैक्ट नॉन, आप इसे भी छू नहीं सकते, फिजिकल नहीं है ये। इमोशंस खुशी गुस्सा अनोयंस ये सब अब्स्ट्रैक्ट नॉन। अदर्स इनके अलावा भी कुछ चीजें हैं जिन्हें आप टच नहीं कर सकते पर नॉन के फॉर्म में आती हैं, तो वो सब क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नॉन है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब जो क्वेश्चन मैंने शुरुआत में लिया था उस पर चर्चा कर लेते हैं। हैव यू गॉट ऑल इन्फॉर्मेशन, इनमें से सिर्फ यही एक है जो नॉन जैसी फीलिंग दे रहा है, लेकिन इन्फॉर्मेशन पार्टिकुलर तो है नहीं, तो प्रॉपर नहीं हुआ। कॉमन नॉन हो सकता है लेकिन इन्फॉर्मेशन को ना छू सकते हैं, ना गिन सकते हैं, ना देख सकते हैं, जानकारी के साथ आप क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं, तो ये कॉमन नॉन तो नहीं है। कलेक्टिव नॉन किसी चीज का कलेक्शन भी नहीं है। मटेरियल नॉन आप इन्फॉर्मेशन से कुछ बना जरूर सकते हैं, एक इन्फॉर्मेशन को दूसरे इन्फॉर्मेशन के साथ जोड़कर कुछ आगे का डेटा फॉर्म कर सकते हैं, तो हाँ ये मटेरियल नॉन हो सकता है, लेकिन इन्फॉर्मेशन को हम गिन नहीं सकते। भाई ने मेरे को एक इन्फॉर्मेशन ला के दी, दो इन्फॉर्मेशन ला के दी, तीन इन्फॉर्मेशन ला के दी, ये कहने वाली बातें जरूर होती हैं लेकिन हकीकत में वो कभी गिनी नहीं जाती। आप गिनते हैं कि आपके भाई ने कितने स्टेटमेंट बोली है, इन्फॉर्मेशन नहीं गिन पाते। तो इन्फॉर्मेशन या उसी के तरीके कुछ वर्ड्स, लगेज न्यूज ब्रेड सीनरी इटीसी, ये सब हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, इनका इस्तेमाल सिंगुलर फॉर्मेट में किया जाता है। अब न्यूज मैंने कहा ये भी सिंगुलर होते हैं, न्यूज नाउन है लेकिन उसके पहले दो ज नहीं लगेगा बिकॉज सिंगुलर है, तो डेट रहना चाहिए था। कोविड-19, कोविड-19 एक एब्रिविएशन है, शॉर्ट फॉर्म है, और एक वायरस का पार्टिकुलर नेम भी है, इसलिए कैपिटल भी है और प्रॉपर नाउन भी। यहाँ पे हैज द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट एक पोस्ट है दोस्तों, इस पर कोई भी बैठ सकता है, किसी को भी ऑर्डर मिल सकता है, ये बहुत कॉमन है, ये पार्टिकुलर नहीं है, इसलिए यहाँ पे कैपिटल का इस्तेमाल नहीं किया गया, क्योंकि कैपिटल का इस्तेमाल तो केवल प्रॉपर नाउन के लिए किया जाता है। बट यहाँ वी हैव ऑफिशियली इन्फॉर्म्ड द प्रेसिडेंट ऑफ USA, अब ये पार्टिकुलर हो गया, अब हम किस प्रेसिडेंट के बारे में कह रहे हैं वो पार्टिकुलरली हमें पता है। सो दिस इज पार्टिकुलर एंड उसके साथ एक नेम है, डोनाल्ड ट्रंप, अब ये बिल्कुल पिन पॉइंट कर रहा है, इसलिए क्या है ये प्रॉपर नॉन।
पुअर वर गिवन लव्स ऑफ ब्रेडेड, ये लव नहीं है एक्चुअली, ये लोफ है जिसका ये प्लूरल बना है, तो द पुअर ये खुद प्लूरल है, ये कॉमन नाउन है, गरीब लोग द पुअर, लॉफ्स ऑफ ब्रेडेड ढेर सारे ब्रेड के टुकड़े, ब्रेड कॉमन ये मटेरियल नाउन है, और लोव्स ब्रेड के कलेक्शन को कह रहा है, छोटे छोटे टुकड़े को कह रहा है। आई डोंट लाइक मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का नाम, इसलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन, प्रॉपर नाउन तो है नहीं, लेकिन किसी भी बुक का टाइटल या स्टोरी का टाइटल ये प्रॉपर नाउन में लगता है, और इसीलिए उसके हर मेन की वर्ड को हम लोग कैपिटलाइज करते हैं। दिस इज सो ऑन COVID-19 प्रॉपर नाउन, कंसर्न COVID-19 इज द बिगेस्ट कंसर्न, इस वक्त सबसे ज्यादा चिंता का विषय है, चिंतित करने का या का नहीं, यहाँ पे वर्ब सुटेबल नहीं है, इसलिए कंसर्न के जगह पे कंसर्न लगेगा जो कि एक नाउन होगा। आवर आर्मी इज हेल्पिंग अस इन एवरी मैनर पॉसिबल, ये दोनों यहाँ पे नाउन है, मैनर मतलब तरीका। इंडिया हैव वॉन द मैच, अब इंडिया तो प्रॉपर नाउन है, सिंगुलर लगता है, फिर हैव क्यों, यहाँ पर एक्चुअली दोस्तों इंडिया की बात नहीं हो रही, ये इंडिया इंडियन टीम को रेफर कर रहा है। ए प्राइड ऑफ लायंस हम पहले ही देख चुके हैं। वाज सीन गॉसिपिंग इन द डीप फॉरेस्ट, फॉरेस्ट नाउन है, इसी गॉसिप क्या कर रहे होंगे, आई थिंक कोरोना वायरस के बारे में बातें कर रहे होंगे, ये भी खतरा तो इन पे भी है। नाउ जेनेटिव्स, जेनेटिव्स होते हैं नॉन स्विंग पोजिशंस, जब हम नॉन पे या नॉन किसी और नॉन पे पोजिशन शो करता है तो उसे कहते हैं जेनेटिव्स, जैसे ऑफ जेनेटिव, इसका इस्तेमाल होता है रिलेशन शो करने के लिए लिविंग और नॉन लिविंग्स के बीच में, या फिर नॉन लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में, जस्ट लाइक द पेन ऑफ माई अंकल इज इन द पॉकेट, द पेन एंड माई अंकल, इन दोनों को रिलेट कर रहा है, पोजिशन दिखा रहा है कि इस पेन पे मेरे अंकल का हक है। ऑफ जेनेटिव्स, एस जेनेटिव्स और एपोस्ट्रॉफी एस जेनेटिव्स, यहाँ हम लोग कम से कम एक लिविंग थिंग्स को किसी नॉन लिविंग या किसी दूसरे लिविंग से कनेक्ट करते हैं। इस सेंटेंस को वापस लिखें तो माय अंकल्स पेन इज इन हिज पॉकेट, ये लिविंग है, ये नॉन लिविंग है, इसी चीज को लिखने का दूसरा तरीका है, बस और कुछ नहीं। अब इसमें अगर चीजें प्लूरल हो और प्लूरल के साथ उसमें एस ना हो तो आप अपोस्ट्रॉफीस लगाते हैं, लेकिन अगर वो पहले से ही प्लूरल हो और उसमें एस लगा हुआ हो तो केवल अपोस्ट्रॉफी लगा देते हैं, और अगर आप एक साथ बहुत सब सारे को डील कर रहे हैं, सनी जॉन नाहस तीन, और तीनों के बैग हैं, तो केवल अंतिम वाला पे आप स्ट्रॉफी लगा दीजिए, या आपके तीनों के लिए रेफरेंस मिल जाता है। होप यू अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट स्लाइड, कंपाउंड नाउन्स, अब कुछ ऐसे भी नाउन हैं जो दो नाउन या एडजेक्टिव को मिला के बनते हैं, इस जैसे टीयर ड्रॉप, टीयर और ड्रॉप दोनों नाउन है, दोनों को मिला के बना गया है। एयरलाइन, एयर और लाइन ये दोनों भी नॉन है और दोनों को मिला के ये बना। डेयर डेविल, डेयर ये एडजेक्टिव है, प्रॉपर्टी है, पंगा लेने की प्रॉपर्टी, एंड डेविल ये नॉन है ऑब्वियसली। टेनिस शू, अब कंपाउंड नॉन्स बहुत फॉर्मेट में होते हैं, ये है कंडेंस्ड विदाउट स्पेस वाले, ये है एक स्पेस वाला, टेनिस प्लस शू, टेनिस भी नॉन, शू भी नॉन, एंड कुछ होते हैं हाइफन वाले। तो ये तीन तरीके हैं कंपाउंड नॉन्स को लिखने का। होप यू अंडरस्टैंड इट। नेक्स्ट स्लाइड, अब ये कुछ असाइनमेंट्स हैं जो आप पीछे बेस्ट इंफॉर्मेशन की बदौलत आगे बनाएंगे इफ यू वॉन्ट टू। एंड नेक्स्ट द बोनस स्लाइड, आज के बोनस स्लाइड में हमारा टॉपिक है कैपिटलाइजेशन। हाँ, ये पूंजीवाद नहीं है, पैसों के बारे में नहीं कह रहा हूँ। हम जानते हैं कि प्रॉपर नाउन को चाहे जहां भी रखो हम लोग कैपिटल बनाना होता है, लेकिन क्या बस यही एक रूल है इसका? नहीं, और भी कई इंटरेस्टिंग रूल्स हैं जो हम आज जानेंगे। फर्स्ट रूल, हर प्रॉपर नाउन चाहे वो जहां भी अपीयर हो उसे कैपिटल बनाया जाता है, जैसे राम एंड सीता, सौ द ताज महल इन आगरा, प्रॉपर नाउन जहां जहां भी आया उसका फर्स्ट लेटर क्या है? कैपिटल है। सेकंड रूल, सीजन्स के नेम को कैपिटल तभी करते हैं जब वो पर्सोनिफाइड हो, याद रखें कि सीजन्स के नेम प्रॉपर नाउन में नहीं काउंट होते हैं, वो कॉमन नाउन में काउंट होते हैं, लेकिन जब इसे पर्सोनिफाई कर देते हैं, एज इफ इमेजिन कर लेते हैं कि सीजन कोई थिंग नहीं है, कोई फीलिंग नहीं है, बल्कि एक पर्सन है, तब हम एज ए पर्सन उसे नेम देते हुए कैपिटलाइज करते हैं। हेयर
एक पोएम का पार्ट है, एंड स्प्रिंग अरोज ऑन द गार्डन फेयर। अब ऐसा लग रहा है जैसे स्प्रिंग खुद से गार्डन फेयर के लिए उठ कर आ रहा हो, मानो कोई इंसान है। जब इसे पर्सनिफाई होता है तब इन सबको कैप्चर किया जाता है। नेक्स्ट, कंपास डायरेक्शन, दैट इज ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ये भी कॉमन नॉन में आते हैं और इन्हें कैपिटलाइज तब करते हैं जब ये किसी पार्टिकुलर प्लेस को आइडेंटिफाई कर रहे हो या उनके नेम में जुड़े हुए हो। डायरेक्शन देते हुए इन्हें कैपिटलाइज नहीं करा सकता। जैसे गो टू वेस्ट, अगर वो डायरेक्शन दे रहा है तो वेस्ट का डब्ल्यू छोटा होगा, लेकिन जब वो कहेगा यू आर द वन हु लिव इन अंधेरी वेस्ट मुंबई, तब अंधेरी वेस्ट मुंबई एक प्लेस का नेम है। यहां पर जब वेस्ट आया तो वो कैपिटल आएगा। सन एंड मून आर कैपिटलाइज्ड व्हेन रेफर्ड इन पार्टिकुलर टू आवर्स। अब प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि बाकी स्टार्स को भी सन कहते हैं और हमारे सन को सन ही कहते हैं। बाकी सबके सैटेलाइट को मून कहा जाता है और हमारे मून को मून कहा जाता है, तो कंफ्यूजन होता है कि कब हम मून को कैपिटलाइज करें और कब ना करें। तो जब ये सन और मून हमारे सन और मून को रेफरेंस दे रहे होते हैं तब हम उन्हें कैपिटलाइज करते हैं, और जब ये सन किसी स्टार को जनरल स्टार के लिए यूज होता है तब तो उसे कैपिटलाइज नहीं करते। तो सेलेस्टियल बॉडी के नेम्स जैसे सन, अर्थ, जब पार्टिकुलर रूप में आते हैं, जैसे अर्थ एक ही पूरे गैलेक्सी में अर्थ है जिस पे हम लोग रह रहे हैं इस वक्त, ये प्रॉपर नाउन है, कैपिटल में आएगा। लेकिन अगर अर्थ का इस्तेमाल हम मिट्टी के लिए करें, डिग अप सम अर्थ, तब वहां पे अर्थ जो है कॉमन नाउन की तरह इस्तेमाल होता है, वहां पे अर्थ कैपिटलाइज नहीं होगा। टाइटल ऑफ बुक्स, जैसे मैंने पहले ही कहा, टाइटल चाहे बुक का हो, एल्बम का हो या किसी भी चीज का हो, कैपिटलाइज होता है, पर उसके सिर्फ मेन कीवर्ड्स ही कैपिटलाइज होते हैं। मेन कीवर्ड्स कौन कौन है, तो आप उसमें से आर्टिकल निकाल दीजिए, कंजक्शन निकाल दीजिए, प्रिपोजिशन निकाल दीजिए, उसके बाद जो कुछ भी बचता है बुक में नहीं, बुक के टाइटल में, वो सब मेन कीवर्ड है। तो यहाँ स्नो, वाइट, सेवन, ड्राफ्ट, ये सब क्या मेन कीवर्ड्स थे, तो सारे के सारे कैपिटलाइज हो गए, बट एंड कंजक्शन था, बाहर हट गया। दी डिटरमाइनर आर्टिकल की तरह आ रहा था, वो कैपिटलाइज नहीं हुआ। अब आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे नाउन और नंबर को, कि आखिर ये सीप सीप होते हुए ईट क्यों है एंड सीप होते हुए ही आर क्यों है। फिर हम लोग जानेंगे नाउन और जेंडर को। अगर आप भी फंस जाते हैं कि आखिर इन सारे चीज़ों का वर्ड क्या है, किसी को मेल और फीमेल में कैसे चेंज करें, तो वो जानेंगे। नाउन का सबसे इंपॉर्टेंट यूज सीखेंगे, एज सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या उससे भी कुछ अलग। एग्जाम्पल, द बेस्ट राजस्थानी क्लॉथेस टू वियर आर कलरफुल एंड हैवी, सॉरी कलरफुल का स्पेलिंग गलत है यहाँ, घाघरा। ये एक्चुअली घाघरा के बारे में बता रहा है कि जो बेस्ट राजस्थानी क्लॉथ है पहनने के लिए वो कलरफुल और हैवी है, और वो है कौन सा क्लॉथ, वो घाघरा है। तो क्या ये सारे ऑब्जेक्ट है यहाँ पे या कुछ और है, इनके बारे में जानेंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम से पूछा जाता है और जिसमें बच्चे बहुत फंसते हैं, वो है ईयर इंस्पेक्शन। तो हम लोग जानेंगे कि आई रोट अ पेपर ऑन अ ग्रामर, ये करेक्ट है या गलत है, और ऐसे ही और सेंटेंसेस भी। पेपर, पेपर मेरे ख्याल से मटेरियल नॉन में आता है, क्योंकि इसका इस्तेमाल करके हम लोग कुछ और बनाते हैं, एंड मटेरियल नॉन अनकाउंटेबल होते हैं, तो जो अनकाउंटेबल है उसमें एक ऐसे, तो इसी प्रकार के इरर्स को हम जानेंगे। एंड बोनस कुछ ना कुछ तो उस दिन भी रहेगा। सो होप यू लाइक द वीडियो। आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए, वीडियो कैसी लगी वो बताइए, अगर मुझसे कुछ सुधार चाहते हैं तो वो भी कह दीजिए। एंड जस्ट थैंकिंग यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर अपकमिंग वीडियोज एंड होप यू लर्न समथिंग टूडे। दैट्स ऑल, थैंक यू।